इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्क लेंथ का फार्मूला हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि आर्क लेंथ का फार्मूला होता है आपका एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये फार्मूला आपका किस तरीके से आता है, तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल ले लेते हैं। अब इस सर्कल के अंदर अगर हम एक एंगल ले लें, जैसे मिसाल के तौर पर हमने 30 डिग्री ले लिया, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ये जो है ये आपकी आर्क लेंथ है। तो आर्क लेंथ जो है आपकी वो एक पार्ट ऑफ द सर्कल होता है, और ये जो चीज़ फॉर्म हो रही है ये आपका सेक्टर ऑफ द सर्कल है, यानी कि आर्क लेंथ और फिर ये रेडियस और ये रेडियस, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं, और ये जो लेंथ होती है जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है उसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। तो आर्क लेंथ से जो एंगल सबटेंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने 30 डिग्री ले लिया, अब अगर हम एक और सर्कल बना लें और इस सर्कल में अगर हम एंगल को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें, फॉर एग्जांपल हमने 70 डिग्री ले लिया और ये आर्क लेंथ हो गई उसकी, रेडियस है, जैसे ये रेडियस और ये रेडियस है, तो जैसे पहले हमने लिया था वैसे ही हमने जो है वो आर्क लेंथ को अब थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, तो एंगल भी आपका इंक्रीज़ हो गया। तो देखिए इससे हमें ये पता चल रहा है जैसे जैसे हम आर्क लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे एंगल इंक्रीज़ होगा, या जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे आर्क लेंथ इंक्रीज़ होगी। तो अब अगर हम ऐसा कर लें कि एक सर्कल ले लेते हैं और उसमें हम कोई सा भी एंगल ले लेते हैं और ये एस ले लेते हैं और ये आर ले लेते हैं, तो एस जो है वो आपकी आर्क लेंथ है, आर जो है वो रेडियस है, और थीटा जो है वो आपका एंगल है। तो देखें इसमें जो है आपके पास, अगर हम ये देखें कि रेडियस अगर हमने एक ही सर्कल रखा हुआ है और उसमें हम हमारा रेडियस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उसमें जो है अगर हम आर्क लेंथ इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एंगल भी इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एंगल इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आर्क लेंथ भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्क लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस से। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को आर्क लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगल से, तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय थीटा, और ये जो कांस्टेंट होता है ये रेडियस होता है। तो इसलिए आपके पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। वैसे इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के, और भी फार्मूले होते हैं आर्क लेंथ को कैलकुलेट करने के। ये जो फार्मूला है ये आपका सर्कुलर मेजर में यूज़ होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको देख लिया कि सर्कुलर मेजर के अंदर हम किस तरीके से आर्क लेंथ को कैलकुलेट करेंगे।